रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर सबसे पहले ये बताया गया है कि दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स को स्टडी करवाया जाएगा। वैसे मिरर्स की प्रॉब्लम तीन किस्म से आती हैं, दो स्फेरिकल मिरर जिसमें कंकेव और कन्वेक्स मिरर है, और तीसरा प्लेन मिरर। तो इसमें कंकेव मिरर में रेज आती हैं पैरेलल और यहाँ पर फोकस में मिलती हैं। ये इसकी जो शेप है ये कंकेव है, और इसकी जो शेप है ये क्या है, ये कन्वेक्स है। रेज आती हैं और डाइवर्ज हो जाती हैं। तो यहाँ पर लेंस से उल्टा काम है। पॉइंट नंबर वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डाइवर्जिंग मिरर है उसका नाम कन्वेक्स है, और जो कन्वर्जिंग मिरर है उसका नाम कनकेव है। जबकि लेंस में उल्टा होता है, लेंस में कन्वर्जिंग कन्वेक्स होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग जो है वो कनकेव होता है। इसके अंदर कन्वर्जिंग कनकेव है और डाइवर्जिंग कन्वेक्स है। शेप याद हो गई। नेक्स्ट साइड डिस्टेंसेज पोल से लेने हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। रिलेशन के अंदर जैसे सपोज करो ये रे गई, और आपने ये 10th में किया भी हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है मिरर का जो कि सी आर है, सेंटर सी है तो डिस्टेंस आर है, और फोकल लेंथ की वैल्यू यहाँ पर एफ है, तो एफ की वैल्यू क्या होती है, आर बाई टू। तो याद रखना है कि यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या है, आर बाई टू। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? लेकिन ये कैसे प्रूव किया जाता है? मान लो एक रे आती है पैरल और फोकस में से पास होगी, ये इसका नॉर्मल है जो सेंटर में से पास होगा। नॉर्मल के साथ रे ने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया और रिफ्लेक्टेड रे ने आर बनाया। अगर ये आए तो ऑल्टरनेट से ये भी आए, आई आर के इक्वल है सबको पता है, तो ये साइड इसके इक्वल है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। पर क्योंकि ये और ये पैरेक्सियल रेज हैं, ये पैरेक्सियल रेज का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी नज़दीक हैं, तो बी पॉइंट पी के काफ़ी नज़दीक है, तो अप्रोक्सीमेटली एफ बी और एफ पी को सेम माना जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके इक्वल है और ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है, तो फोकल लेंथ किसके इक्वल ली जाती है, आर बाई टू। तो ये कौन सा मिरर है, कंकेव मिरर है। सिमिलरली कन्वेक्स के अंदर भी ये किया जा सकता है, रे आती है डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है ये फोकस पे मिलेगी और नॉर्मल सेंटर से पास होगा, ये आई और आर है, ये आर है तो ये आर है, ये आई है तो ये आई है, तो क्योंकि आई आर के इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन ये साइड अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल है, तो फोकल लेंथ या एफ जो है वो आर बाई टू के इक्वल है, ये याद रखना। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूलाज।